आज हम बनाएंगे भिंडी और आलू की सब्ज़ी। यहाँ पर हमने भिंडी ली है, आलू लिए हैं, दो टमाटर लिए हैं और प्याज लिए हैं दो, और हरा धनिया। यहाँ पर हमारा तेल गर्म होने के बाद हमने हींग का तड़का लगाया है। उसके बाद हम उसमें कटी हुई मिर्च और लहसुन डालेंगे। उसके बाद प्याज डालेंगे। प्याज को अच्छे से हल्का ब्राउन होने देंगे, हमें इसे ज़्यादा नहीं चलाना है, सिर्फ इसमें कलर आने जितना हमें इसे भूनना है। और फिर इसके बाद हम इसमें आलू ऐड कर देंगे और हम इसमें डालेंगे अब मसाले, सब्जी मसाला, हल्दी पाउडर और मिर्च, स्वाद अनुसार नमक। आप अपने हिसाब से मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा मात्रा में, आपको जैसा खाना अच्छा लगता है, तीखा या हल्का, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। और फिर हम इसको घुमाना है 5 मिनट, इसी तरीके से हमें इसे घुमाना है ताकि हमारे मसाले अच्छे से आलू में मेल्ट हो जाए। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर हम बाद में इसीलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमें टमाटर को गलाना नहीं है। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें पानी, आलू को पकने जितना हमने पानी डालना है इसमें। अभी हमें इसमें भिंडी नहीं डालनी है, पहले हम आलू को थोड़ा पकाएंगे। अब हम इसमें ढक्कन रख देते हैं और आलू को हम पका लेंगे। चेक कर लेते हैं, आलू हमारे पक चुके हैं। चम्मच से SMB से काटेंगे तो ये कट रहे हैं, इसका मतलब आलू हमारे पक चुके हैं। इस स्टेज पर अब हमने डालना है भिंडी, क्योंकि हमने भिंडी इसलिए पहले नहीं डाली है, अगर भिंडी हम पहले डाल देंगे तो ज़्यादा पक जाती है, ज़्यादा पकी हुई भिंडी अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए हम पहले आलू को पकाएंगे और फिर उसमें भिंडी ऐड करेंगे। अब हम इसे पकाएंगे भिंडी को, ये बहुत ही ईजी तरीका है। इस तरीके से सब्जी बनाओगे तो अच्छी बनती है। हमारी सब्जी पक चुकी है, हमने इसको लोहे की कढ़ाई में बनाया था तो कलर थोड़ा इसमें लोहे की कढ़ाई में चेंज आ जाता है, पर खाना लोहे की कढ़ाई में अच्छा लगता है खाना, और ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होता है, इसमें अलग ही स्वाद आता है खाने का। अब हम डाल देते हैं इसमें हरा धनिया। सब्जी हमारी बनके रेडी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।